आराम से, आराम से डालो, उड़े नहीं, कोई जल्दी नहीं है अपन को। आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे अपने अपने घर पे। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, तो आज हम दोस्तों ने प्रोग्राम किया, आज नवी मुहर्रम है, नवी। तो नीचे जाता हूँ मैं, दोस्तों ने प्रोग्राम किया है अलीम पकाने का, तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे। हम अलीम पकाएंगे, हर साल की तरह अलीम पकाते हैं, लेकिन हर साल मैं ब्लॉगिंग में नहीं करता था, अभी इस साल मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो मैं आपको ये भी वीडियो बना के दिखाता हूँ। तो नीचे चलते हैं, देखते हैं किस तरह अलीम पकाते हैं हम लोग, और आपको वो भी दिखाता हूँ मैं। तो चलते हैं सीधा नीचे, मिलते हैं हम सीधा नीचे। देख की तैयारी कर रहे हैं ना? देख की तैयारी करे, देख को गर्म किया, गर्म पानी में डाला है, अब देख की सफाई करेंगे, देख में पानी डाल के देख को गर्म करेंगे, फिर देख की सफाई करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम अलीम पकाने की तैयारी करेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये अभी देख को हम गर्म कर रहे हैं ताकि देख का जो है ना अंदर से जितना भी गंद वगैरह है वो साफ हो जाए। पानी डाला है गर्म करने के लिए देख में, आप देख सकते हैं देख की जैसे सफाई हो जाएगी, फिर जो है ना देख में पकाना स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है गाइस, क्या डालने हैं? ये हल्दी, हल्दी हल्दी डल रही है भाई, अभी देख में हल्दी डलने जा रही है। डल चुकी है, तो थोड़ा पानी घूमेगा, जोश होएगा पानी में, जोश ऐसा होगा पानी में, हल्दी यूं यूं होगी हल्दी। फिर क्या डालेंगे इसमें? अभी हम भाई ये जाओ जाओ डालेंगे, जाओ जाओ तो गधे का दाना, जाओ ये कैसा जावे, जाओ जाओ डलते है अली में, जाओ डलता है, जाओ ही होता है, और गाली वो आपके जाओ तो है। जाओ तो गद्दा नहीं खाता है, जाओ नहीं है। अच्छा है, दूसरा जाओ है। तो फिर जाओ डालेंगे, फिर दिखाएंगे आपको। ये जाओ नहीं है, ये गंदम है, गंदम। मैं पहले बोल रहा था कि ये जाओ है तो गद्दा खाता है, गंदम है, अलीम अलीम का ही आइटम है ये, अलीम का। तो गाइस अब ये जा रहे हैं गंदुम देख के अंदर, आप देख सकते हैं ये गंदुम जा रहा है। पहले मैंने बोला ये जौ है, लेकिन जौ नहीं है, ये गंदुम है, अलीम का जौ है। तो ये अलीम का है, अलीम का दाना है। अब इसको लाते रहेंगे हमारे नवीद भाई, ये नवीद भाई को तो हम जानते हो गए, पहले भी हम लोग को कढ़ाई पका के खिलाई थी, क्योंकि इन भाई की शादी नहीं हो रही। आप देख सकते हैं ये भाई माशाल्लाह खाना भी पका सकते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि YouTube में तो भाई के लिए कोई ना कोई तो आ जाएगी। ये माशाल्लाह अलीम भी पका सकते हैं, हर खाना है भाई को आता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर मिलेगी हमारे नवीद भाई को। बस रोटी नहीं बनाना आती, वो तो उनकी बेगम आ जाएगी फिर उनकी। नहीं रोटी भी बना रहे ना भाई, ये देखें आज अलीम बना रहे, उस दिन हम लोग को कढ़ाई बना के दी थी, आज अलीम बना रहे, तो सब आता है इनको काम। तो ये आप देखें, ये है तो अपने आप को बोलता है कि मैं शेर हूँ, बड़ा होके मैं शेर बनूंगा, लेकिन ये शेर का बच्चा बनूंगा। ये आप देखें इसको, ये शेर का बच्चा बन सकता है, आप कमेंट्स में बताना मुझे। नवीद भाई चम्मच ला रहे हैं ताकि वो देख पे वो पकड़ ना ले। अलीम पकाने में बड़ी मेहनत होती है, इसको हिलाना बहुत पड़ता है, तब जाके अलीम पकती है। अलीम तो जब पकेगी हम पक जाएंगे। अब इमी भाई आ गए, नवीद भाई थक गए, अब इमी भाई चला रहे हैं।
तो गैस ये दाल का पतीला आ चुका है, तीन दालें इसमें डली हुई हैं, चने की दाल और कौन सी दाल, सारी दाल कैसे हुई, तीन दालें आगे चेक कर लो भाई। ये दाल आ चुकी है, अब इसमें डलेगी सीधा देख के अंदर, फिर दमादम मस्त कलंदर अलिप जाएगी पेट के अंदर। और नवीद भाई चला रहे हैं चम्मच, नहीं क्या बोलते इसको, गोटा, गोटा चला रहे हैं नवीद भाई, गोटा 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 चला चला के ये दाल डल रही है भाई देख के अंदर। ये इस बिल्डिंग का आखिरी साल है और इस बिल्डिंग के ऊपर हम लोगों ने पार्टी भी रखी थी 14 अगस्त की, 13 अगस्त अली रात की, आपने वो वीडियो भी आपने देखी होगी इस बिल्डिंग की, मैंने आपको बताया था वो बिल्डिंग ये वाली है। तो उस दिन मैं छत के ऊपर था, आज आपको नीचे से पूरी बिल्डिंग नीचे से दिखा रहा हूँ। ये बिफोर और आफ्टर, ये बिल्डिंग हो चुकी है एक्सपायर, तकरीबन घर खाली हो चुके हैं, इसमें चार घर बचे हैं जिसमें एमी भाई रहते हैं, बाकी है जो पेली को जाएंगे खाली करके ये लोग। और ये बिल्डिंग टूटने वाली है, फिर यहाँ नई बिल्डिंग बनेगी आलीशान। हम जा रहे हैं मोहल्ले में पूरे रोड का सर्वे करने, आप देख सकते हैं हम बाइक पे जा रहे हैं, हम लोग को भूख लगी है, थोड़ा देख के आते हैं कुछ खुला है कि नहीं। यहाँ पे भी न्यास चल रही है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि वाह भाई वाह तरक्की है, तरक्की तो होगी ना भाई, क्या करे, मेहनत कर रहे हैं, अभी तरक्की नहीं हुई है, मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह तरक्की भी हो जाएगी, आप लोगों का प्यार होगा मेरे साथ तो तरक्की भी हो जाएगी इंशाल्लाह। सन्नाटे पड़े हुए, ये पीछे बिटाई हॉल डीसीडी, और ये डीसीडी स्कूल है, वो आ करती थी किसी टाइम, अब तो इस स्कूल का नाम बदल चुका है, बहुत हाई फाई स्कूल बन चुकी है, यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं लोग, इंग्लिश। मामा होटल पे आ चुके हैं, यहाँ भी जगह जगह जो है ना लोग न्यास बना रहे हैं, देखे आप नजर आ रहा होगा आपको, हर जगह न्यासें बन रही है, हर जगह न्यासें पक रही है। यहाँ पे नाच खाने का प्रोग्राम रखा हुआ है, जगह न्याजे पकड़ी है, जगह जगह आ गए।
न्याजें पक रही हैं, लोग न्याजें पका रहे हैं, कल सुबह होते ही सब न्याजें बांटेंगे। हम लोग भी पका रहे हैं, हम लोग भी हलीम पका रहे हैं, अभी तो चक्कर पे निकले हैं। ये देखे यहाँ भी देखे पक रही हैं। असल बात तो ये है, हम निकले थे कुछ खाना खाने के लिए, हमें भूख लगी है, लेकिन पूरा सर्वे करके आए हैं कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ हम लोग कुछ खा पी सकें, शुमल पानी कर सकें, सब बंद पड़े हुए हैं। बस अभी वापस जा रहे हैं अपने मोहल्ले में अपनी जगह पे। भाई सब क्या गोश्त डलने जा रहे हैं हलीम के अंदर, गोश्त मसाला मिक्स है सब कुछ। साढ़े पाँच बज गए हैं, पूरी रात हलीम चला चला के बैठा हुआ था, चला चला। सर मेहनत बहुत की हलीम बनाने में, क्या बोलते हैं इसका, पानी जा रहा गोश्त का। ये अभी तो रगड़ मार के चेक कर दे, सुबह के 5 बज गए हैं। ये आप देखें सुबह भी होने 5:30 बज गए, सॉरी 5 नहीं 5:30 बज गए हैं सुबह के, ये सुबह हो रही है। तो फिर अब देखते हैं हलीम अब कितनी देर में और कितनी देर लगेगी हलीम बनने में, कितनी देर लगेगी भाई तोकीर भाई। ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा। अनलाइक वालों के लिए पैगाम पहुंचा दो कि आ जाओ आप लोग जरूर खाओ। जो अनलाइक करते हैं उनके लिए, हाँ जो अनलाइक करते हैं ना उनके लिए तो खास हलीम हम खेलियों में डालेंगे, मगर देंगे नहीं, सिर्फ जलाएंगे उनको। हलीम तैयार होने वाली है, पूरी रात मेहनत लग गई है, डंडा चला के लेकिन सुबह हो गई, हलीम अभी तक तैयार नहीं हुई है, हाल बुरे हो गए डंडा चला के लेकिन हलीम नहीं पकी अभी तक, हलीम नहीं पकी अभी भी, थोड़ी देर लगेगी पकने में। इस्माइल भाई जो ये अनलाइक वाले है ना, ये आपका देखो ये हलीम, मेहनत कर रहा हूँ मैं, देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हम चाहते हैं कि अभी भले अनलाइक आए कोई मसला नहीं है, देखने में मजा आए, आप एंजॉय करें, मेरी वीडियो को देख के लाइक करें और शेयर करें, अगर मेरी वीडियो पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस फाइनली जो है ना हलीम पक गई है, सुबह भी हो चुकी है, 7 बज गए हैं सुबह के, रात के 1 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक हलीम तैयार हुई हमारी। तो आप देख सकते हैं हमारी मेहनत का रंग रोशनी हो गई है, उजाला हो गया है, पब्लिक सो रही है, हम जाग रहे हैं, सब थक चुके हैं, अब पूरी रात के जागे हुए हैं, अब जाके हम भी सोएंगे, पता नहीं कब उठेंगे। फिर शाम को जो है ना हमारा प्रोग्राम है शरबत बनाने का, फिर शाम को शरबत बनाएंगे इंशाल्लाह। ये मोहम्मद अली भाई जा रहे हैं हमारे ड्यूटी पर, ये मोहम्मद अली भाई हमारे ड्यूटी पे जा रहे हैं केपीडी पे, फिर आपसे मिलते हैं शाम को इंशाल्लाह, शरबत बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो बना के। ये हमारे नवीद भाई हैं, और ये आखिरी पैगाम भाई हूँ आपके लिए, इन भाई के लिए कोई भी YouTube में जो लड़की चैनल देख रही है, अगर इस भाई के इंटरेस्ट हो, अगर ये भाई उसको पसंद हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, रब्ता खुद ही हो जाएगा। नवीद भाई तो फिर मिलते हैं शाम को, शरबत बनाएंगे, मोहम्मद अली भाई आ गए नज़दीक, ये जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे, ये ड्यूटी पे जा रहे हैं, हम जाएंगे घर पे सोने के लिए। खुदा हाफिज। तो गाइस
सुबह 7 बजे हम लोग गए हलीम पका के इसी जगह से। अभी शाम के कितने बज रहे हैं भाई, टाइम क्या हो रहा है? 6:15 हो रहे हैं। अब हम लोग शरबत की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। जैसे कि पूरी रात हम लोगों ने हलीम पकाई थी, वो सुबह फारिग हुए 7 बजे। अब हम लोग शरबत की तैयारी कर रहे हैं, शरबत बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा 2 बड़े बड़े पतीले पड़े हुए शरबत के। शरबत बनेगी अभी यहाँ पे, भी बनेगी इंशाल्लाह। बांटेंगे शरबत भी आपको, वो भी दिखाएंगे। अभी ये दूध डल रहा है, शरबत बनने की तैयारी पूरी पूरी मुकम्मल हो रही है। दूध के डब्बे डाले, ओलपर डब्बे, ओलपर का दूध है, 1.5 लीटर वाले डब्बे हैं। 4 कार्टन हम लोग माशाल्लाह लेके आए, डब्बों दूध के कार्टन लेके आए, 4 कार्टन लाए ना। चार कार्टन लाए, 1.5 लीटर वाले डब्बे हैं इसके अंदर। सब के सब दोस्त मेरे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। आराम से डालो, होड़े नहीं, कोई जल्दी नहीं है अपन को। अभी ये तुक मरंगा डलने जा रहा है, तुक मरंगा, तुक मरंगा जा रहा है दूध के अंदर। बादाम पिस्ते भी डल गए भाई। ये पाकोला की जा रही है, पाकोला की शरबत बहुत अच्छी बनने वाली है माशाल्लाह। इधर तो, इधर तो, मेरे को तो, मैं चेक करता हूँ। नहीं भाई, चेक कर रहे हैं कि शरबत कैसी है, मीठी है कि नहीं है। नहीं भाई, कैसी है शरबत? सही है, थोड़ा आवाज तो निकालो, इतनी मीठी होगी, गला बैठ गया आपका। ओके 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 भाई, ओके। नवीद भाई चेक करें दोबारा पी के कैसी है शरबत, पता नहीं कितनी बार चेक करेंगे ये। अच्छा उस पतीले में नवीद भाई को बुरा लग गया। ये हमारे उस्ताद आ गए, अख्तर उस्ताद, हमारे इंजीनियर उस्ताद आ गए चेक करने के लिए। उस्ताद का शरबत भी निकल गया, चेक कर रहे हैं उस्ताद, पास कर रहे हैं शरबत। हम लोगों ने ओके बनाई, नहीं बनाई है उस्ताद, कैसी बनी है? साथ ने बोला लशपश बनी है बाबा, आंख मार दी समझो काम हो गया, टैंड बनी है। लगे हुए काम में लगे हुए हैं। इस्माइल भाई, दूध गाढ़ा ही गाढ़ा है, शरबत भी गाढ़ा ही गाढ़ा, जो भी पिएगा तारीफ करेगा। सही है आएंगे बाल पास पूछ रहा था काका, वो नहीं
भाई बट रहा है बाबा बट रहा है, आ जा भाई आ जा भाई। बांटो बांटो झटपट बांटो एक पतीला खाली हो चुका है, अब बाकी एक बचा है, ये भी खत्म होने वाला है। दोस्त की गाड़ी है, शरबत जो है खत्म हो चुकी है। तो गाइस शरबत भी खत्म हो चुकी बढ़ चुकी, रात की अलीम की भी वीडियो मैंने बनाई और आज दिन में शरबत की बनाई, दोनों वीडियो में एक साथ डालूंगा, दोनों वीडियो मेरी जरूर देखना।
और आपको वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आप लोग को तो मेरी वीडियो को देख के लाइक कर देना और मेरी वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।